संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज का ये वीडियो खासकर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसे ब्रांच की बात करने वाला हूं जिसका प्लेसमेंट काफी बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चों को मन में ये लग रहा होगा कि सर आपने जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का सीएमएल रैंक के बारे में आइडिया दिया, तो ये तो बड़ा टफ हो जाता है कि 300 सीएमएल रैंक के अंदर आने पर ही मिल पाता है। तो कुछ ऐसे ब्रांच के बारे में बताएं कि जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो और थोड़ा ज्यादा रैंक पर भी ये मिल पाए। तो आज का ये ब्रांच काफी सुंदर है और ये है आदित्यपुर का मेटालोजी। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि अगर आपका 1000 रैंक तक 2000 रैंक तक भी आता है तब भी ये कॉलेजेस कैसे मिल जाते हैं और किस कैटेगरी पर कितने सीएमएल रैंक पर मिलता है, आइए इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का और आज बात करेंगे मेटालोजी ब्रांच का कि मेटालोजी में कितने नंबर आने पर कॉलेज में ये ब्रांच मिल पाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के झारखंड में खासकर दो ही ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पर मेटालोजी ब्रांच है। एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर जो टाटा में जमशेदपुर में स्थित है और दूसरा है धनबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वहां भी मेटालोजी ब्रांच मिल जाता है। इस ब्रांच की खासियत यह है कि ये ब्रांच का चूंकि कंपटीशन कम हो जाता है, दो ही कॉलेज हैं तो बहुत कम बच्चे होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कम कंपटीशन देते हुए भी आप एक अच्छा जॉब तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं लॉस करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें टोटल 45 सीटें हैं। 18 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, बीसी 1 के लिए 3, बीसी 2 के लिए 3, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 12। अब इसमें कितने रैंक पर कॉलेजेस में क्या मिल पाएगा मेटालोजी, इसके लिए हम लोग पिछले 3 साल का देखते हैं कि कितने सीएमएल रैंक आने पर ये ब्रांच मिला था किस किस कैटेगरी में। सबसे पहले मैं यूआर की बात करूं, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनके पास केवल आवासीय होता है और उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, वो जनरल से डालते हैं, तो वहां पर मैं 2019 की बात करूं तो 1027 रैंक पर मेटालोजी ब्रांच मिला था। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 1255 जिन बच्चों का सीएमएल रैंक था और ईडब्ल्यूएस में थे उन्हें मेटालोजी मिल गया था। बीसी 1 में 1169 सीएमएल रैंक जिन बच्चों का था बीसी 1 से उन्हें मिला था मेटालोजी 2019 में, और बीसी 2 में 1226 सीएमएल रैंक जिन बच्चे का था उन्हें मिल गया था मेटालोजी ब्रांच। एससी की बात करें तो एससी में 1385 सीएमएल रैंक पर मेटालोजी मिला था, और एसटी की बात करें तो 1580 सीएमएल रैंक जिन बच्चों का आया था उन्हें भी मेटालोजी मिल गया था 2019 में। 20 में जैसा मैं बराबर बताया हूं कि 20 में 10th लेवल पर हुआ था, मतलब एग्जाम नहीं हुई थी। तो अब 21 की बात करें तो 21 में अगर हम लोग देखें तो 443 सीएमएल रैंक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को ही मिल पाया था मेटालोजी। ईडब्ल्यूएस में 1277 सीएमएल रैंक जिनका था उन्हें मेटालोजी मिल गया था, और 493 सीएमएल रैंक जिनका था बीसी 1 के बच्चे उन्हें मेटालोजी मिला था, और 782 जिन बच्चों का बीसी 2 में सीएमएल रैंक था उन्हें मिला था मेटालोजी, और 3200 सीएमएल रैंक जिन बच्चों का था एससी में उन्हें मेटालोजी मिला था, और 3959 सीएमएल रैंक जिन बच्चों का था एसटी कैटेगरी में उन्हें मेटालोजी मिला था 2021 में। 2022 की बात करें तो 2022 में 517 सीएमएल रैंक तक मेटालोजी मिला था। चूंकि इसकी क्रेज मैंने पहले भी कहा प्लेसमेंट अच्छा है तो क्रेज बढ़ा है, और क्रेज बढ़ा है तो पहले 1000 में अब 500 में ही सीटें खत्म होने लगी। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 4091 तक मिला था, ये बहुत बड़ी बात है कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए एक बड़ा मौका रहता है। बीसी 1 में 874 तक मेटालोजी मिला, बीसी 2 में 1048 सीएमएल रैंक आने पर भी यह मेटालोजी ब्रांच मिल गया था बीसी 2 के बच्चों को, और एससी के बच्चों का 3247 अगर सीएमएल रैंक था और एससी के थे तब भी उन्हें मिला था, और एसटी के लिए 4792 तक सीएमएल रैंक पर उन्हें मेटालोजी मिल गया था। तो अब आप बोलेंगे कि सर हम लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे। देखिए मैं मानता हूं अभी भी मैं इसको 800 तक मानता हूं, 800 सीएमएल रैंक तक जनरल कैटेगरी के बच्चों को मेटालोजी मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले में मैं इसको 4000 नहीं मानूंगा, ये लगभग मानकर चल सकते हैं 1200-1300 रैंक तक, मतलब कि आप मानकर चलो कि ये जो 1200 था ये लगभग 1500 तक भी आप ये मान लो कि ईडब्ल्यूएस है 1500 सीएमएल रैंक है, 1500-1800 तक तब भी आपको मिलेगा आदित्यपुर का मेटालोजी। बीसी 1 वाले बच्चों के लिए मैं इसको 1000 तक रखता हूँ कि 1000 तक अगर आपका है तो मिलना चाहिए मेटालोजी।
बीसी टू के बच्चों के लिए भी वही 1000 तक का ही आसपास के रिजल्ट होगी कि 1000 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है और आप बीसी टू से हैं तो आपको मेटालोजी मिल सकता है। एससी के बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि भाई इनके लिए तो अच्छा है ये 3000 सीएमएल रैंक तक मानकर चलें, आप एससी कैटेगरी से हैं 3000 सीएमएल भी है तो आपको मेटालोजी मिल जाएगा। और एसटी के बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा 4000 तक आप निश्चिंत रहो कि अगर 4000 भी सीएमएल रैंक है तो आपको मेटालोजी मिलेगा। दैट मीन्स क्या कि अगर मेटालोजी ब्रांच आपको लेना है, प्लेसमेंट्स आप चाहते हो कि नहीं मुझे कंपनियों में प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए तो मेटालोजी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कोर पेपर के चक्कर में नहीं लेते हैं, तो अपने अपनी अलग अलग सोच है और आप अपने आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। कोर पेपर में ऐसे मैं बता दूं कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को कहा जाता है और इनकी रेलवे और अदर सेक्टर में वैकेंसियां बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन मेटालोजी ब्रांच खासकर इंडस्ट्रियल जो प्रोड्यूस करती है जैसे सेल हो गए, टाटा हो गई, इन कंपनियों में खासकर ब्लास्ट फार्मेस में इनका जॉब होता है मेटालोजी वाले का, इसलिए इनका खासकर स्टील इंडस्ट्री जितनी भी है यहाँ पर काफी ज्यादा स्कोप होता है। और इसके बाद डी टू डी का भी ऑप्शन आपके पास होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।